हेलो एवरी वन वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव विशिता सो बिफोर सींग द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट सो टुडे वी विल डू क्लास सिक्स चैप्टर फोर सॉर्टिंग मटेरियल्स इन टू ग्रुप्स सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स फर्दर रीड द चैप्टर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वरायटी इन दैम हमने देखा कि जो हमारे फूड है और क्लोथ्स हैं उसमें बहुत सारी वेरायटीज़ है नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं मतलब कि ऑब्जेक्ट्स की वैरायटी भी होती है जो कि हम अपने आसपास देखते हैं जैसे कि चेयर की वेराइटी बुलकाट साइकिल कुकिंग यूटेंसल्स बुक्स क्लोथ्स टॉयज वाटर स्टोन्स और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स होते हैं कलर्स होते हैं और यूजेज होते हैं अब आप लुक अराउंड देखिए और आइडेंटिफाई करिए ऑब्जेक्ट जो कि आपके जो कि राउंड है शेप्स में जो लिस्ट है वो इंक्लूड करती है रबर बैंड्स फ़ुटबॉल्स ग्लास मार्बल्स अगर हम इंक्लूड करें ऑब्जेक्ट जो कि नियरली राउंड हो तो वो बहुत सारे हो जैसे कि एप्पल्स ऑरेंजेस और मतलब कि घाघरा ग्रा जैसे कि सपोज़ हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं वो बहुत ही एडिबल होता है तो हम उसमें इंक्लूड करते हैं आइटम जो कि हमने लिस्टेड करते हैं टेबल वन पॉइंट वन और वन पॉइंट टू और वन पॉइंट थ्री में चैप्टर वन में तो हमने ऑल्सो फाइंड आउट करा कि ये जो राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो हमने लिस्ट आउट करें और इस ग्रुप में तो चलिए अब हम ये कह सकते हैं कि हमें एक ग्रुप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का जो कि मेड है किससे प्लास्टिक से बकेट से लंच बॉक्स से टॉय से वाटर से और पाइप से जिसमें मतलब कि ऑब्जेक्ट्स हों हमने मतलब कि फाइंड करे प्लेस इन दीज ग्रुप्स में यहाँ पे बहुत सारी वे होती है कि हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करें अबव एग्जांपल में आपने ग्रुप करें होंगे ऑब्जेक्ट बेसिस ऑफ दी शेप्स या फिर मटेरियल जो कि वो किससे बनते हैं जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना और हमारे आसपास वो मेड होते हैं एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से ये जो मटेरियल्स हैं ना वो ग्लास हो सकते हैं मेटल प्लास्टिक वूल कॉटन पेपर मर्ड या फिर सॉइल तो आप थिंक कर सकते हो मोर एग्जाम्पल्स मटीरियल्स के अब है एक्टिविटी वन चलिए हम कलेक्ट करते हैं मैन्यू ऑब्जेक्ट जितने पॉसिबल होते हैं हमारे आसपास जो सारे हैं हम मतलब कि कुछ गेट कुछ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स होम से और कुछ हम कलेक्ट करते हैं क्लासरूम से या फिर आउटसाइड द स्कूल से तो हमने क्या कलेक्शन करी चॉक पेंसिल नोटबुक रबर डस्टर हैमर नेल सोप स्पोक ऑफ द व्हील बैट नेल मैच बॉक्स सॉल्ट पोटैटो हम लिस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट जो कि बनते हैं पर हम कैन नॉट ब्रिंग इन द क्लासरूम हम तो क्लास रूम तो नहीं ला सकते जैसे कि वॉल नहीं ला सकते ट्री डोर ट्रैक्टर डोर नहीं ला सकते है ना तो जो सेपरेट करने के लिए सारे ऑब्जेक्ट्स तो ये जो पेपर से या फिर वूल से एक वे होता है कि हम डिवाइड करें इनको दो ग्रुप में वन ग्रुप में जो कि जिन जिससे बनते हैं वो पेपर से या फिर वुड से और दूसरे ग्रुप में ऑब्जेक्ट जो कि नहीं होते ग्रुप से सिमिलरली अगर हम सेपरेट करें जो थिंग्स जो कि यूज होते हैं फूड बनाने के लिए चलिए हम लिटल मोर सिस्टमेटिक हो जाते हैं लिस्ट करिए सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड जो कि सारे लिस्ट करिए ऑबजेक्ट जो कि जितने आपने कलेक्टेड करे टेबल फोर पॉइंट वन में ट्राई करिए उनको आइडेंटिफाई करना उनके मटेरियल्स जो कि ईच वन है जो जिससे बनते हैं ये फन होगा कि हम मेक करें लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल ये सीम करते हैं डिफिकल्ट की फाइंड आउट करने के लिए मटीरियल्स जो कि सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स से बनते हैं तो इनकेस डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ टीचर्स के साथ पेरेंट्स के साथ और आइडेंटिफाई करिए मटीरियल्स अब है एक्टिविटी टू टेबल फोर पॉइंट टू में आपने लिस्ट कर लिए होंगे कुछ कॉमन मटीरियल्स अब आप उसमें ऐड करिए मोर मटीरियल्स कॉलम वन में और जो कि नॉन होते हैं जो कि आपके पास है तो अब आप ट्राई करिए और थिंक करिए हर हर दिन के ऑब्जेक्ट जो कि आप जानते हैं तो तो ये जो लिस्ट करिए उनको कॉलम टू में ठीक है अब है वट डू वी फाइंड अब हम इसमें से क्या फ़ाइंड करते हैं टेबल्स में पहले तो हमने इनको ग्रुप कर दिया ठीक है मैनी डिफरेंट वेज़ में फिर हम इनको फाइंड आउट करेंगे कि ये सारे किससे बनते हैं डिफरेंट मटीरियल से तो जो ऑब्जेक्ट जो कि सिंगल मटीरियल से बनते हैं इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स बने होते हैं तो अगेन वन मटेरियल्स कुड बी मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और जो कि डिसाइड करता है कि विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट दी डिफरेंट मटेरियल्स तो हमको डिफरेंट मटीरियल्स के बारे में जानना है तब तो आते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स तो आपने कभी वंडर किया होगा कि जो टम्बलर है वो मतलब कि पीस ऑफ क्लोथ से क्यों नहीं बनता अपने रिकॉल करिए अपने एक्सपेरिमेंट्स पीस ऑफ क्लोथ से चैप्टर थ्री में और के मतलब कि कीप इन माइंड करिए कि हम जनरली एक टम्बलर यूज़ करते हैं लिक्विड के लिए तभी ये सिली नहीं होगा अगर हम मतलब कि टम्बलर को क्लोथ से बनाए तो तो फिर मतलब कि क्लोथ से पानी बाहर चला जाएगा या उसी में ऑब्जॉव हो जाएगा तभी हम एक टम्बलर के लिए ग्लास चाहिए होता है प्लास्टिक चाहिए होता है मेटल या फिर कोई और मटेरियल चाहिए होते हैं होता है कि -like हम होल्ड करें वाटर को सिमिलरली ये एक वाइज होता है कि पेपर लाइक मटेरियल्स हम कुकिंग वेसल्स के लिए करें और हम मतलब कि हम सी करते हैं कि जो कि हम चूज़ करते हैं मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ में तो ये जो पर्पज़ होता है ना ये जो ऑब्जेक्ट जिससे बनता है तो और इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मटेरियल्स की जो कि इम्पोर्टेंट होती है अपने यूसेज के लिए तो कुछ प्रॉपर्टीज़ वो डिस्कस होती है इधर अब वो आ गया है हमारा अपीयरेंस जो मटेरियल्स जो कि यूज होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं ईच अदर से जैसे कि वुड वेरी डिफरेंट होती है आयरन से और आयरन के डिफरेंट होता है कॉपर से और एलुमिनियम से इस सेम टाइम में तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती है आयरन कॉपर एलुमिनियम की और वुड की अब आती है एक्टिविटी थ्री कलेक्ट करी स्मॉल पीसेस डिफरेंट मटेरियल पेपर के लिए कार्डबोर्ड वुड कॉपर वायर एलुमिनियम शीट चॉक और कोई भी अपीयर शाइनी तो सेपरेट करिए शाइनी मटेरियल्स को ग्रुप में अब ऑब्ज़र्व करिए कि जो टीचर्स कट करती हैं मटेरियल्स टू पीसेज में और लुक करिए कि वो फ्रेशली कट सरफेस हैं तो नोटिस करिए कि जो फ्रेशली कट सरफेस होते हैं ना इन मटेरियल्स की वो अपीयर करती है शाइनी अब इंक्लूड करिए जो ऑब्जेक्ट ग्रुप में और शाइनी मटीरियल्स में अब आप नोटिस करिए कि जो शाइनी या फिर लस्चर है ना इन अदर मटीरियल्स में वो कट हो सकता है अवेर रिपीट करिए क्लास में बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि पॉसिबल हैं कि हम लिस्ट बना सकें विद या फिर विदाउट लस्टर की इंस्टेड ऑफ कटिंग आप रब भी कर सकते हैं सरफेस मटेरियल का विद सैंड पेपर अगर उसमें लस्टर हुआ तो मटेरियल जैसे कि लस्टर जो जो कि यूजुअली मेटल आयरन एलुमिनियम और गोल्ड के एग्जाम्पल है मेटल के कुछ मेटल ऑफन लूजे शाइन और अपियर डल करते हैं क्योंकि एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर होता है उनमें तभी हम नोटिस करते हैं कि जो लस्चर है ना वो फ्रेशली कट सरफेस में ही दिखता है जब आप विजिट करें एक आयरन स्मिथ या फिर वर्कशॉप लुक करिए कि जो फ्रेशली कट सरफेस है ना मेटल ड्रॉर का कि वो सी करें कि उसमें लस्चर है या फिर नहीं अब आता है हमारा हार्डनेस जब आप प्रेस करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स अपने हैंड से कुछ, कुछ है, और कुछ हार्ड होते हैं और कुछ ईजियर होते हैं अब आप एक मेटल की लीजिए उसको स्क्रैच करिए ठीक है इसका सरफेस वुड का एलुमीनियम का पीस ऑफ स्टोन का नेल कैंडल चौक और भी अदर मटेरियल्स का तो आप इजीली स्क्रैच करते हैं कुछ मटेरियल्स को लेकिन कुछ मटेरियल इजीली स्क्रैच नहीं होते मटेरियल जो कि कंप्रेस होते हैं और स्क्रैच होते हैं ना आसानी से उसको हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं और जो डिफ़िकल्ट होते हैं उसको हम हार्ड मटेरियल कहते हैं एक्ज़ाम्पल कॉटन या फिर स्पॉन्ज सॉफ्ट है और आयरन हार्ड है ये जो अपेयरेंस होता है ना मटेरियल्स का वो डिफरेंट होता है प्रॉपर्टीज से like, जैसे कि लस्टर हार्ड होता है और रफ़ होता है और स्मूथ होता है तो अब आप थिंक कर सकते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ और डिस्क्राइब कर सकते हैं इनके अपेयरेंस मटेरियल के मटेरियल के अब है सॉलीबल या फिर इन कलेक्ट करिए कुछ सॉलिड सब्सटांसेज जैसे कि शुगर सॉल्ट चॉक पाउडर सैंड और सोडस्ट अब आप एक फाइव ग्लासेस लीजिए या फिर आप बीकर लीजिए फिल करिए हर एक को दो या दो टू थर्ड वाटर से अब कुछ में स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर लीजिए फर्स्ट ग्लास में और सॉल्ट सेकंड में और सिमिलरली स्मॉल अमाउंट अदर सबस्टैंड में और अदर ग्लास में चेक करिए जो कंटेंट्स हैं इनमें से स्पून से कुछ मिनट्स के लिए वेट करिए और ऑब्जर्व करिए कि ये जो व्हाट हैपन्स क्या होता है जब ये जो सब्सटैंड है ना ये ऐड होते हैं वाटर में अब नोट करिए अपने ऑब्जर्वेशन जैसे कि आपको शो किया हुआ है तो आप नोटिस करेंगे कि जो स्विच सबस्टैंड जो कि कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं और डिज़ोल्व होते हैं ना वाटर में तो हम इसको सोल्यूबल कहते हैं और अगर ये मिक्स नहीं होते और ऊपर ऊपर दिखते हैं उसको लॉन्ग टाइम के लिए तो उसको हम इन इन वाटर कहते हैं वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल खेलता है फंक्शनिंग बॉडी में क्योंकि ये डिज़ोल्व करता है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस और ये जो लिक्विड्स है ना ये भी डिज़ोल्व करता है वाटर अब है एक्टिविटी फाइव कलेक्ट करिए कुछ सैम्पल्स विनेगर का लेमन जूस का मस्टर्ड ऑयल का कोकोनट का और करोसिन का या फिर कोई अदर लिक्विड का टेक करिए ग्लास टम्बलर और फिलअप करिए उसको हाफ वाटर से अब ऐड करिए फ्यू स्पून लिक्विड के और स्टेर करिए वेल चलिए स्टैंड करिए उसको फाइव मिनट्स के लिए ऑब्जर्व करिए कि जो लिक्विड मिक्स होता है वाटर से रिपीट करिए सेम विद द लिक्विड अदर लिक्विड सेम ठीक है अब आप एक ग्लास टम्बलर लीजिए और आ, फिल कर दीजिए इसको हाफ वाटर से अब फ्यू स्पून स्पून जो फिल होते हैं एक लिक्विड से चेक कर दीजिए उसको अच्छे से और उसको स्ट्रैंड कर दीजिए फाइव मिनट्स के लिए ऑब्जर्व करिए कि जो लिक्विड है वो मिक्स होता है वाटर से रिपीट करिए सेम एक्टिविटी अदर लिक्विड के साथ और भी डिफरेंट लिक्विड के साथ जो कि आपके पास अवेलेबल हों और अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिख दीजिए ठीक है यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए हमने नोटिस किया कि जो कुछ लिक्विड्स हैं ना वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर से और कुछ मिक्स नहीं होते और एक सेपरेट लेयर वो फॉर्म कर देते हैं पानी के ऊपर ऊपर या कोई लिक्विड के ऊपर ऊपर ये जो गैसेस है ना वो सोल्यूबल होती है वाटर में जो अदर्स कुछ नहीं होती वाटर के पास स्मॉल क्वांटिटी होती है सम ग्लासेस की मतलब कि सम गैसेस की जो कि उसमें से वॉल डिज़ोल्व हो जाती है जैसे कि ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है वाटर में और बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में जो कि वाटर के अंदर रहते हैं अब ऑब्जेक्ट जो कि फ्लोट करते हैं या फिर सिंक करते हैं वाटर में सिंक मतलब बैठ जाते हैं तो ये जो एक्टिविटी फोर करने से तो आपने नोटिस किया होगा कि जो इन सोल्यूबल सॉलिड्स हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं वाटर से तो आपने नोटिस किया होगा कि जो कुछ लिक्विड्स हैं ना एक्टिविटी फाइव में और ये जो कुछ मटेरियल्स वो मिक्स नहीं होते पानी में और वो फ्लोट होते हैं सरफेस और दी वाटर में और अदर्स संक हो जाते हैं टम्बलर में और नोटिस किया हमने कुछ एग्जांपल्स ऑब्जेक्ट्स के जो कि फ्लोट करते हैं या फिर सिंक करते हैं जैसे कि ड्राई लीव्स वो पॉइंट के सरफेस पे करती है और अगर हम थ्रो स्टोन को फेंकें तो कुछ तो वो सेटल हो जाता है तो ये जो फ्यू ड्रॉप्स हनी के डालिए ग्लास ऑफ वाटर में फिर क्या होता है बूजू ने बूजू ने एक लाइक बूजू भी लाइक यू है कि उनने गिव करा फाइव एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्ट्स का जो कि फ्लोट करते हैं और सिंक करते हैं वाटर में तो टेस्टिंग करने के लिए कुछ सेम मटेरियल्स तो वो फ्लोट करते हैं या फिर सिंक करते हैं दूसरे लिक्विड में जैसे कि ऑयल अब आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी तो आपने देखा होगा कि गेम खेला होगा हाइड एंड सीख का थिंक करिए कुछ प्लेसेज जहाँ पर आपने हाइड एंड सीख खेला है और आप मतलब कि आप दूसरों को देखते हो तो फिर आप क्या चूज़ करते हो जो कि आपने ट्राई की होगी कि आप हाइड करते हो ग्लास विंडो से ऑबियसली नहीं क्योंकि आपके फ्रेंड्स को आप देख सकते हो स्पॉट कर सकते हो अगर आप मतलब कि थ्रू और सारे मटेरियल से देख सकते हो जो सब्स चांसेस हैं या फिर मटेरियल से जो कि आप देख सकते हो उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं जैसे कि ग्लास एयर सम प्लास्टिक्स या फिर एग्जांपल्स कह सकते हैं हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल का शॉपकीपर प्रेफर करते हैं कि वो कीप करें बिस्कुट स्वीट्स और भी सारे एजिटेबल्स ट्रांसपेरेंट कंटेनर में ताकि आप देख सको और अगर हम सेकेंड हैंड पे देखें कि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि जो कि जैसे कि आप उसमें देख नहीं सकते जैसे कि ओपेक जैसे कि अगर आप वुडन बॉक्स लोगे तो आप नहीं देख पाओगे उसमें से कार्डबोर्ड कार्टन या फिर मेटल कंटेनर लोगे तो आप नहीं देख पाओगे क्योंकि वुड और कार्डबोर्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल हैं तो आपने फाइंड किया होगा कि जो ग्रुप्स होते हैं ना मटेरियल्स के और ऑब्जेक्ट के कोई भी वो कंफ्यूज हो जाते कि वो ओपेक है या फिर ट्रांसपेरेंट है एक्टिविटी सिक्स करते हैं जो मतलब कि जैसे कि पेपर हो गया पेपर को पेपर को यहाँ से आप देखो तो पीछे का नहीं दिखेगा ना लेकिन अगर आप अपनी कार का शीशा देखो उसके अंदर दिख जाएगा और जो मतलब कि अगर आप सोच रहे होंगे कि मतलब कि उसमें आपको हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिख रहा है उसको हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं एक करिए अब आप एक शीट ऑफ पेपर लुक करिए उसमें से लाइटन ट्यूब से अब आप नोट करिए अपने ऑब्जरवेशन और टू थ्री ड्रॉप्स पुट कर दीजिए किसकी ऑयल की और स्प्रेड कर दीजिए शीट ऑफ पेपर में अब आप ध्यान से देखिए तो आपको मतलब कि जो स्प्रेड हो गया ऑयल तो वह आप कुछ ज़्यादा क्लियर बल्ब आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि आप उसको क्लियरली नहीं देख पाओगे ऑयल पेपर से तो ये जो एवरी थिंग जो कि अदर साइड पे आपके अविजल है पर हैप्स नहीं ये जो मटेरियल जो कि ऑब्जेक्ट्स जो कि सीन होते हैं क्लियरली मतलब कि वो जो दिख तो सकती हैं लेकिन पर धुंधले धुंधले उसको हम ट्रांसल्यूशन कहते हैं मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया रिमेंबर करिए कि जो ऑयली पैच होता है ना पेपर में जो कि हमने फ़ूड आइटम्स पर टेस्ट किया था जिसमें फैट्स होते थे और ट्रांसल्यूसेंट भी होते थे तो अब आप थिंक करिए कुछ मोर एग्जांपल्स ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के लिए जैसे कि आपने क्लेयर्स की ट्रॉफ़ी खाई तो उसके ऊपर कुछ होता है ना रैपर मतलब कि वाइट वाइट सा तो उसमें अगर आप देखें तो आपको धुंधला दिखेगा या कोई भी ट्रॉफ़ी ले लीजिए आप तो उसमें भी आपको धुंधला दिखेगा क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ़ फैट्स होते हैं तो हम ग्रुप्स ऑफ मटेरियल्स कुछ ओपेक होते हैं ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट पहेली ने सजेस्ट किया कि हम कवर करें ग्लास को टॉर्च से अपने पाम से डार्क प्लेस में और स्विच ऑन कर दीजिए ये जो टॉर्च है और ऑब्ज़र्व करिए अदर साइड ऑफ पाम तो शी वॉन्ट्स कि वो जानना चाहती है कि जो पाम है ना हमारे यहाँ तो वो ओपेक है ट्रांसलूसेंट है या फिर ट्रांसपेरेंट है तो हमने लर्न किया कि डिफर करते हैं अपने एक्सपीरियंस अपने अपीयरेंस से और वो वो मिक्स हो जाते हैं वाटर से और अदर लिक्विड से वो फ्लोट होते हैं या फिर सिंक होते हैं वाटर में और वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं ओपेक हो सकते हैं या फिर ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं मटेरियल जो कि ग्रुप्ड होते हैं वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के लिए होते हैं ग्रुप तो वट डू वी नीड द ग्रुप मटेरियल्स हमें क्यों चाहिए होते हैं ग्रुप मटेरियल्स करने के लिए क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में हमने बहुत सारी मटेरियल्स को ग्रुप करना होता है उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से घर पर आपने देखा होगा कि जब आप स्टोर थिंक करते हो एक सेम मैनर में जैसे कि आ, कि आप उसको अच्छे से लोकेट कर पाओ सिमिलरली एक ग्रॉसर यूज़ करता है बिस्किट्स को एक कॉर्नर में सोप्स को अनदर में ग्रेन्स पल्सिस और स्टोर को एक अदर प्लेस में तो ये एक अनदर रीज़न है कि हम फाइंड करें कि ये जो ग्रुपिंग यूजफुल है डिवाइड करिए मटीरियल्स को ग्रुप्स में मेक करिए उसको कन्वीनियंट कि हम स्टडी करने में उनकी प्रॉपर्टीज़ और ऑल्सो ऑब्जर्व करिए कोई भी पैटर्नस प्रॉपर्टीज में हम स्टडी करेंगे मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस तो इसी के साथ हमने चैप्टर फ़ोर भी कवर कर लिया है हम चैप्टर फाइव के साथ जल्द ही मिलेंगे सो टैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सो टैन बाय फ्रेंड्स